हाय दोस्तों, नो यो क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वप्निल और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के सेकंड टेस्ट मैच की, जो कि एक बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच था जहां पे इंडिया ने हिस्टोरिक जीत हासिल की है। तो आज हम पांच ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से इंडिया ये जीत हासिल कर पाई। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जीत का पहला कारण था इंडिया का टीम सिलेक्शन। पहले मैच में बड़ी हार के बाद इंडिया को टीम में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत थी और उन्होंने ऐसा ही किया। विराट कोहली की गैर मौजूदगी में और मोहम्मद शमी के इंजर्ड होने के बाद टीम इंडिया ने सेकेंड मैच में जो बदलाव किए वो बहुत ही कारगर साबित हुए इंडिया की जीत के लिए, खासकर एक्सपीरियंस प्लेयर्स के एब्सेंस में। टीम में कुल मिलाकर चार बदलाव हुए थे और चारों ही प्लेयर का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इंडिया की इस जीत में। जीत का दूसरा कारण था इंडिया की बेहतरीन बॉलिंग और फील्डिंग। इंडिया को टॉस हारने की वजह से बॉलिंग करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने प्लेइंग कंडीशंस का फायदा उठाकर बेहतरीन बॉलिंग का प्रदर्शन किया, खासकर बुमराह और अश्विन ने। एक्सपीरियंस प्लेयर्स के एब्सेंस में इन दोनों ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और इंडिया की फील्डिंग भी इस मैच में लाजवाब रही। उन्होंने सारे कैचेस पकड़े और फील्डिंग भी बहुत तगड़ी की, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया अपने दोनों इनिंग्स में काफ़ी जल्दी निपट गई। तीसरा कारण अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी। विराट कोहली की गैर मौजूदगी में स्टैंड इन कैप्टन अजिंक्य रहाणे पे कुछ सवाल जरूर उठे थे मैच के पहले, लेकिन उन्होंने इसका जवाब इस मैच में बड़ी खूबी से दिया। उनकी कैप्टनसी और उनका पर्सनल परफॉर्मेंस, ये दोनों बहुत बड़े कारण रहे इस जीत के लिए। उनके फील्ड प्लेसमेंट्स और बॉलिंग रोटेशन लाजवाब थी और उनकी बैटिंग ने इंडिया को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला, इसी के वजह से वो प्लेयर ऑफ द मैच भी हुए। चौथा कारण शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज के इंप्रेसिव डेब्यूज। इंडिया की ओपनिंग जोड़ी का पहले मैच में परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा और उसी की वजह से शुभमन गिल को मौका मिला और उन्होंने इस मौके का बड़ी खूबी से फायदा उठाया। उनके परफॉर्मेंस दोनों ही इनिंग्स में बहुत अच्छे रहे। दूसरी ओर मोहम्मद सिराज ने भी अपने डेब्यू पर बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है। क्रूशियल टाइम्स पर विकेट लेना और सदी हुई गेंदबाजी करना, ये दोनों क्वालिटीज़ की वजह से सिराज बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लगे। दोनों ही अपनी पहली मैच खेल रहे थे, लेकिन उनके परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस को देख के ऐसा लग रहा था कि वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। और पांचवा कारण दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस। ओवरऑल देखें तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में इंटेंट नहीं नज़र आ रहा था। इसका मतलब ये कि उनके रन्स बनाने की भूख थोड़ी कम लग रही थी। और दोस्तों, सबसे बड़ा लेटडाउन इस मैच में रहा उनकी फील्डिंग। उन्होंने कई मौक़ों पर इम्पॉर्टेंट कैचेस छोड़े, खासकर कैप्टन रहाणे का, जिसकी वजह से उन्हें ये मैच गंवाना पड़ा। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण जिसकी वजह से इंडिया को इतनी हिस्टोरिक और बड़ी जीत हासिल हुई। अब हो सकता है कि मैंने कुछ पॉइंट्स मिस किए हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और हाँ दोस्तों, इसी टेस्ट मैच के पाँच टॉप मोमेंट्स पर एक वीडियो रिलीज होगा जल्द ही इस चैनल पर, तो उसे भी देखना ना भूलिए। तब तक मैं स्वप्निल आपसे विदा लेता हूँ, जल्द ही मिलेंगे।